मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ा। कड़ा में क्या बनाया जाता है आपको हम दिखाऊंगी। मैंने अदरक काट रखी हूँ, ये देखिए अदरक को हम कूटती हूँ। तुलसी का पत्ता है ये, और मैंने लौंग डाल रखी हूँ, काली मिर्च डाल रखी हूँ इसको, और हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने गैस में चढ़ा दी हूँ काढ़ा। काढ़ा के लिए फायदे आपको बताऊंगी, इसमें फायदे क्या क्या है। काढ़ा में जिसको सांस की प्रॉब्लम हो, जिसको गले में प्रॉब्लम हो, खांसी हो, जुकाम हो, और उसके कफ की प्रॉब्लम का भर जाता है, ये काढ़ा बहुत हेल्दी और नुकसान नहीं करता है, फायदा करता है। ये आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जिसको बीमारी हो या ना हो, गले में कुछ प्रॉब्लम कुछ हो या ना हो, ये काढ़ा डेली पीना चाहिए, सुबह शाम पीना चाहिए। मैं रोज डेली हमारे घर में बनता है काढ़ा, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इसमें हर चीज में डाल चुकी हूँ, और मैं इसको रोज हम इसे खौला देंगे और ऐसे ढाक के आप पीजिए, बहुत फायदा करता है। आपकी गला में जो खांसी है, सर्दी जुकाम है, वो सब ठीक कर देगा। और जिसको जुकाम नहीं भी है, वो नॉर्मल लोग भी पी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बीमारी लोग पीगा, आप इसे पी सकते हैं। आप से मैं कहती हूँ, आपसे विनती है, आप मेरी वीडियो देखिए। आप वीडियो नहीं देखते हैं मेरा, और कमेंट मत कीजिए, वीडियो देखिए मेरा, और मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, और पुराने लोग भी नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए। और जो कोरोना की बीमारी हो रही है, वो उन लोगों को बोलती हूँ प्लीज ये काढ़ा पीने से आपको फायदा ही होगा, क्योंकि कोरोना के लिए गर्म चीज से ही मिटा सकता है। ठंडा चीज खाना बंद कीजिए, फल फूल खाना बंद कीजिए, फल कुछ मत लाइए, और हाथ धो के ही काम कीजिए, और सफाई रखिए अपने घर को, और अपने जब भी किचन में आए तो हाथ धो के आइए, और कुछ भी पानी पीना हो या कुछ भी पीना हो तो हाथ धो के करिए काम। आप गंदगी करते हैं, और भारत के लोग को हाथ धोने के बहुत प्रॉब्लम है, हाथ धोने के लिए ड्रामा करते हैं, झगड़ा करते हैं, बताइए मेरे घर घूर टट्टी लगाए क्या। और प्लीज आप इसमें मेरे ध्यान चीज सुनिए, और इससे आप बनाना घर में रोज। हम चाय पीने से कोई फायदा नहीं, चाय पीने हमारे नुकसान करता है, भूख मिटाता है, चाय मत पीजिए, आप ये पीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए। और मैं इसलिए वीडियो बनाई हूँ कि आप ये बनाइए, और घर में रोज डेली सुबह शाम चाय जैसे पीते हैं, सुबह चाय सुबह शाम पीजिए। मैंने भी सुबह शाम हमारे घर में चाय पीते हैं, तो इसके बाद हम काढ़ा बनाते हैं, और ये रोज डेली पीते हैं, जिसको खांसी हो या ना हो, और वो नॉर्मल लोग भी पी सकते हैं और बीमार लोग भी पी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बीमारी लोग पीएंगे। मेरे वीडियो का पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरा प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें। कमेंट मत कीजिए, कमेंट करते ज्यादा और देखने वाले कम होते हैं। थैंक यू, मेरे वीडियो आपको पसंद आया, परंतु आपको मैं अभी मैंने गैस में चढ़ा दी हूँ, अभी इसे उबलते हुए और ढकते हुए आपको दिखाऊंगी, अभी बना नहीं है। इसको अच्छी तरह खोला दीजिए, देखिए फ्रेंड ये उबलने लगा ना, इसको अच्छी तरह खोलाइए आपको, और इसे अच्छी तरह खोलाने के बाद इसे ढाल दीजिए थर्मस में, गर्म थर्मस में, और इसे सबको पीने को शेक कर दीजिए दीजिए आप सबको गर्मा गर्म। और ये बहुत, आपको विश्वास नहीं है, आप बना के देखिए, एक दो दिन आपको काढ़ा अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, जरूर पीजिए। ये काढ़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है, जिसे गले में हमेशा कफ रहता है, और जिसे खांसी जुकाम रहता है, सर्दी रहता है, इसके लिए बहुत बढ़िया है। फ्रेंड आप प्लीज मेरे वीडियो को देखना, आपसे विनती, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप घर में सफाई रखिए, गंदगी मत कीजिए, कहीं भी बाहर से आए तो साबुन से हाथ पांव धो के आइए घर के अंदर, और साबुन से हाथ धोने से कोई अपने ही शरीर से स्वस्थ रहेंगे, बीमार से मुक्त रहेंगे।
आप सुन रहे हैं मेरी बात, समझिए। हाथ धोने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाथ धोना बहुत जरूरी होता है। ये तो कोरोना आ गया तो आप हाथ धोना चालू कर रहे हैं। हम तो बचपन से, मेरी माँ सिखाती है कि हाथ धो, ये करो वो करो, हम तो हाथ धो के ही काम करते हैं, इसलिए हमें कोई बीमारी नहीं है। हमारे घर में पूरा सेफ है, कोई कुछ नहीं है, भगवान करे और किसी को ना हो। अब इसको हम काढ़ा को ढाल रहे हैं, अदरक है, लौंग है, तुलसी है, सब कुछ है, और इसको हम ढार दिए हैं। अब इसे गरम गरम कप में डालेंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। अब ये काढ़ा पीजिए, बहुत हेल्थ के स्वास्थ्य के लिए है ये, इसे बीमार से मुक्त रहेंगे। और मैं अच्छा वीडियो लगा तो फिर जरूर बनाना आप। थैंक यू।